हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बजट फ्रेंडली ईयरफोन्स बताने वाला हूं जो अराउंड 800 रुपीस के अंदर आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। सारे ईयरफोन्स की बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। और आपको इस वीडियो के एंड में मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा। तो इस लिस्ट में जो नंबर 5 पे ये फोन आता है, ये बोर्ड की तरफ से बास हेड 225 आता है। इसके अंदर आपको 10mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, सुपर एक्स्ट्रा बास देखने को मिल जाता है, टैंगल फ्री केबल देखने को मिलती है, इन लाइन माइक्रोफोन देखने को मिलता है विद पैसिव नॉइज कैंसिलेशन, और आपको यहाँ पे मेटेलिक फिनिश देखने को मिल जाता है और गोल्ड प्लेटेड एल शेप 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है। और अगर मैं इस ईयरफोन की वेट की बात करूं तो ये अराउंड 14 ग्राम का है। और इस ईयरफोन में एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये लगी है, इसका जो मेटालिक फिनिश है, इसके वजह से अगर आप इस ईयरफोन को लॉन्ग टर्म तक ही यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। बाकी इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी सही है और माइक क्वालिटी भी काफ़ी सही है। अगर आप BGMI खेलते हो, COD खेलते हो तो आपको यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होने वाला है। अब अगर मैं इस ईयरफोन के प्राइस की बात करूँ तो ये 449 रुपीज़ का आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट ईयरफोन आता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ईयरफोन है। ये रियलमी की तरफ से उनके बर्ड्स क्लासिक आते हैं। इसके अंदर आपको 14.2mm के ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, डीप बास देखने को मिलता है और इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आपको यहाँ पे सिंगल बटन रिमोट देखने को मिल जाता है, इन लाइन HD माइक्रोफोन देखने को मिलता है विद म्यूजिक कॉल कंट्रोल। और आपको ये सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज का अमेजोन पे देखने को मिलता है। और अगर मैं इस ईयरफोन के वेट की बात करूं तो ये 14 ग्राम का है। अब यार देखो, ड्राइवर का साइज इतना मैटर नहीं करता है, साउंड क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है। इसके अंदर 14.2mm का ड्राइवर है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके साउंड क्वालिटी एकदम बेस्ट है। इसके साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, बेस भी काफी अच्छा है। आपको इससे भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे आगे। अब अगर मैं बात करूं अपने नेक्स्ट ईयरफोन की तो ये MI की तरफ से आते हैं, उनके डुअल ड्राइवर। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे ईयरफोन्स मुझे लगे। अगर मैं इसके ड्राइवर साइज़ की बात करूं तो यहाँ पे आपको डुअल डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिलते हैं, 8mm के और 10mm के। काफ़ी ज़्यादा बेस देखने को मिलता है और आपको यहाँ पे पैसिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्रीमियम फिनिश देखने को मिलती है, मैग्नेटिक ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं और एक टैंगल फ्री ब्रेडेड केबल आपको देखने को मिल जाती है। इन लाइन कंट्रोल्स हैं जैसे म्यूजिक कंट्रोल, कॉल कंट्रोल्स, और आपको 3.5mm की गोल्ड प्लेटेड जैक देखने को मिल जाता है। और मैं प्राइस की बात करूं तो ये 699 रुपीज का आपको अमेजोन पे देखने को मिलता है। और ये ईयरफोन इस समय थोड़ा महंगा सेल हो रहा है। एक्चुअली इसके करंट जो प्राइस है वो अराउंड 500 रुपीज के आसपास है। अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो ये 18 ग्राम का है। अब जो हमारा नेक्स्ट ईयरफोन आता है, रियलमी बर्ड 2 न्यू। अगर मैं बात करूं रियलमी बर्ड 2 न्यू की तो इसके अंदर आपको 11.2mm के डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, हाई बास देखने को मिलता है, टैंगल फ्री केबल देखने को मिल जाती है, HD माइक्रोफोन है और 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिलता है, इन लाइन म्यूजिक एंड कॉल कंट्रोल्स है और ये 14 ग्राम का है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये 499 रुपीज़ का आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाता है। करेंटली MI डुअल ड्राइवर थोड़ा सा महंगा सेल हो रहा है, सो इस वजह से मैंने इसको अपने लिस्ट में 3rd नंबर पे रखा है और रियलमी बर्ड 2 न्यू को 2nd नंबर। अब जो इस लिस्ट में हमारा नंबर 1 पे ईयरफोन आता है, ये JBL की तरफ से C100SI आता है। अभी तो JBL के ईयरफोन से ये बेसिकली उनके लिए जिनको ज्यादा म्यूजिक सुनना पसंद है और काफी अच्छा बात चाहिए, साइज से बैलेंस चाहिए उन्हें, वो इस चीज को परचेज कर सकते हैं। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको JBL के सिग्नेचर साउंड देखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा डीप बास देखने को मिलता है, वॉइस असिस्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नॉइस आइसोलेटिंग माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है और 3.5mm का आपको गोल्ड प्लेटेड ऑडियो जैक देखने को मिलता है और प्रीमियम मेटालिक फिनिश है। और जो वेट की बात करूं तो ये काफी हैवी है, ये अराउंड 50 ग्राम का आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये 649 रुपीज का आपको अमेजोन पे देखने को मिलेगा। जो लोग गेमिंग ज्यादा करते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि भाई रियलमी बर्ड 2 न्यू को परचेज कर सकते हो। अगर आपने MI को परचेज किया तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि MI खराब है। बाकी जिनको ज्यादा म्यूजिक सुनना पसंद है वो JBL के ईयरफोन परचेज कर सकते हैं। अब जो इस वीडियो में मैंने आपको 5 ईयरफोन्स बताए हैं, ये मेरे खुद के यूज किए हुए हैं, जो मुझे ज्यादा अच्छे लगे वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ये मेरा ओपिनियन था इन सब ईयरफोन्स को लेकर। अगर आपको इनसे भी अच्छे ईयरफोन्स पता हो तो आप हमें प्लीज कमेंट में सजेस्ट करिएगा ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन ईयरफोन्स को ऐड कर सके। और अगर आप में से कोई भी इन ईयरफोन्स को यूज कर रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प हो। हम अपने चैनल पर रेगुलर इस टाइप की वीडियोस निकालते रहते हैं, गेमिंग एक्सेसरीज से रिलेटेड, स्मार्टफोन से रिलेटेड। सो अगर आपको इन्हीं सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए करे। आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।